आखिर कौन है रवि केजरीवाल जिससे ईडी कर रही पूछताछ? रवि केजरीवाल का पूजा सिंघल मामले से क्या है कनेक्शन? कभी हेमंत की टीम के वफादारों में होती थी रवि केजरीवाल की गिनती। रिश्ते बिगड़े तो पार्टी ने निकाला, आज लगा रहे ईडी कार्यालय का चक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में आए दिन ईडी की तरफ से नए खुलासे हो रहे हैं। पूजा सिंघल, पति अभिषेक और इसके साथ ही सीए सुमन के साथ पूछताछ के साथ ही अब और भी नए चेहरे सामने आ रहे हैं और इसी मामले में अब इसके तार जो है वो अब सफेदपोश नेताओं तक पहुंच चुके हैं। तभी तो जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल से ईडी की टीम ने पूछताछ की है। रवि केजरीवाल से पूछताछ के बाद ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरीके से देखें तो पूजा सिंघल मामले में आए दिन आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष की तरफ से हो रहे थे, लेकिन रवि केजरीवाल से पूछताछ के बाद कहीं न कहीं ये तूफान जो है वो और भी तेज हो चुका है। ऐसे में रवि केजरीवाल कौन है जिनसे ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, आज ये हम आपको बताएंगे और कई गंभीर खुलासे भी करेंगे। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बता दें कि कभी सत्ता के गलियारे में केजरीवाल का खास रुतबा हुआ करता था। वह लंबे समय तक झामुमो के कोषाध्यक्ष रहे। पार्टी में अच्छी दखल के साथ हेमंत सोरेन की टीम के वफादारों में गिनती होती थी। केजरीवाल का परिवार छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है। बता दें कि इस विरासत को रवि केजरीवाल ने संभाला। लगभग 11 से 12 वर्ष तक वह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के विश्वस्त लोगों में शुमार थे। उसके जिम्मे पार्टी के लिए फंड जुटाने के तमाम वित्तीय व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी थी। लेकिन वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनने से पहले रिश्ते बिगड़ते चले गए। रवि केजरीवाल को पार्टी के कोषाध्यक्ष के पद से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी के आला नेताओं से रिश्ते भी बिगड़ गए। इन पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की साजिश रचने का भी आरोप लगा। इसे लेकर धुरवा थाने में मामला भी दर्ज हुआ। रवि केजरीवाल पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को सरकार के खिलाफ उकसाने का आरोप है। इस मामले में रामदास सोरेन ने 12 अक्टूबर 2021 को धुरवा थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रवि केजरीवाल ने उनसे मोबाइल पर संपर्क कर पार्टी छोड़ने के लिए उकसाया। बाद में रवि केजरीवाल अपने दोस्त अशोक अग्रवाल के आवास पहुँचे। यहाँ दोनों ने कई विधायकों का नाम लेते हुए रामदास सोरेन को पार्टी छोड़ने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि नई पार्टी बनाकर भाजपा के साथ सरकार बनानी है। इसके लिए विधायक को रुपए और मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया। इस केस में दोनों आरोपी फिलहाल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं। केस के अनुसंधानक वर्तमान में ट्रैफिक डीएसपी जीत वाहन उराव है। पुलिस ने अब तक केस का सुपरविजन तक नहीं किया था, इसलिए न्यायालय के आरोप पत्र समर्पित नहीं किया जा सका है। तो मनरेगा में गरीबों के पैसे को हक मार कर अपनी तिजोरी भरने वाली आईएएस पूजा सिंघल मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपने हमारे इस रिपोर्ट में देखा कि आखिर रवि केजरीवाल कौन है जिनसे इस वक्त ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। हालांकि रवि केजरीवाल से पूछताछ के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही कहा है कि क्या रवि केजरीवाल सरकारी गवाह बन गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पूजा सिंघल मामले में आने वाले समय में और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं और कौन कौन से सफेदपोशों के चेहरे से नकाब हटता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।